अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दो हमारे येलो रिंगनेक्स के भाई आए हैं साहिवाल से और इनको एक राह का बच्चा डिलीवर किया है। दो येलो के सेल्फ पीस हैं और इंशाल्लाह जो भी थे इन्होंने मुझे ऑलरेडी पहले बुक करवाए थे और आज माशाल्लाह से सेल्फ खुद खा पी रहे हैं। मैंने चेक करवाए, मैंने कहा ये चेक कर लें, खुद खा पी रहे हैं माशाल्लाह बच्चे। और ये खुद लेने आए क्योंकि साहिवाल काफ़ी साथ पड़ता है हमें और इनको डिलीवर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह बाकी जो जैसे ही वाइट और दूसरे येलो होते हैं वो भी लाहौर डिलीवर करने हैं। भाई हैं जी खुद आए हैं तो मैंने कहा इनको दिखाया जाए। ये देखिए के जी अपना ही लेके आए हैं साथ पार्सल के लिए। ये दो येलो के सेल पीस हैं माशाल्लाह से, मेरे पास आपको पता ही था तो 7-8 पीस थे। दो इनके रेडी थे, एक फैसलाबाद भिजवा दिया है और अभी जो है तीन हैं वो फ्लाई ट्रेनिंग वाले बुकिंग वाले तीनों हैं वो भी ऑलरेडी बिके हुए हैं। जैसे ही फ्लाई ट्रेनिंग उन्होंने हो जाना है वो भी हमने लाहौर पार्सल करवा देने। ये साहिवाल जा रहे हैं दो येलो के चिक्स और प्लस एक ये राह का माशाल्लाह से कवर्ड बच्चा, ये भी सेल्फ है, खुद खाना पीना स्टार्ट हो गया। तीनों बच्चे ये भाई साहिवाल लेके जाने वाले हैं अभी जी। ये लेके जा रहे हैं जी गोश्त वगैरह जो कि ब्लैक काइट का बच्चा एक है, दूसरा उड़ गया हमारे पास से, उसको खिलाने के लिए अभी तो खुद खाता है माशाल्लाह से। फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से ज़बरदस्ती बच्चों को खिलाना पड़ रहा था, मुँह खोल के उसके गले के अंदर उतारना पड़ता था, लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि बच्चा माशाल्लाह से खुद खाएगा। यहाँ पे छांव काफ़ी रहती है और कोई मसला मसाइल नहीं रहता। यहाँ पे होगा आई थिंक वो अंदर टोकरी में बैठा है जाके, जिस टोकरी में हमने पहले दिन इसको डाला था जब बच्चे थे जिसने लेके आए थे, ये घोंसला बनाया था उनका। और अभी देखें वहीं पे कभी बाहर आ जाता है दिन के टाइम फर्स्ट टाइम सुबह, और रात को ये अंदर चला जाता है। ये जो लेके आए हैं इसके लिए मुर्गी का दिल, चिकन हार्ट, ये चेक करें अब देख के। और ये खड़ा हो गया, पर भी इसने खोल लिए अपने और ये रख दिए। और ये देखें जी अटैक माशाल्लाह से शहजादा अब खुद खाने पीने के काबिल हो चुका है। ज़्यादा बड़ा पीस है, इसको ये चाहिए था कि ये देखें अभी पंजे में लेके खाए। हम हो जाते हैं थोड़ा सा बाहर, दूर से वीडियो बनाते हैं तो अभी देखते हैं किस तरीके से खुद खाता है। अभी ये पंजे में पकड़ गए छोटे पीसेस, मेरे ख्याल आई थिंक करेगा और फिर खाएगा। ये अभी पंजे में इसने ले लिया, अभी ये तोड़ा पीस निवाला ऊपर से, ये चेक करें। तो इसके अलावा अगर ये बंदा कोई लेना चाहता है अडॉप्शन के लिए, अडॉप्ट करना चाहता है तो ये उसको मिल जाएगा। और अगर वो केयर टेक इसकी कर ले अच्छे से, इसको रखे, खिलाना पिलाना यही है कि बस पानी आप रखते हैं साथ गोश्त देते रहें तो कोई मसले वाले, छत पे रख दें। बिल्ली वगैरह भी इसको कुछ नहीं कहती, अब यहाँ पे हवेली में खुला रहता है, बिल्ली चिल्लियाँ आती हैं, लेकिन इसको बिल्ली के अटैक का कोई टेंशन नहीं है, बिल्ली नहीं इनको कुछ कहती, डरती है बल्कि। अगर कोई बंदा लेना चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट, जस्ट उसको कार्गो चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जिस सिटी में सिटी अगर लाहौर हो जाए बेहतर है, मुल्तान हो जाए ईजी है, फैसलाबाद हो जाए वो भी ईजी है, तो जस्ट आपको कार्गो चार्जेस पे करने होंगे और ये कंफर्म करना होगा कि आप इसकी अच्छे से केयर करेंगे, अच्छे से इसकी देखभाल करेंगे तो मैं उसको ये डिलीवर कर दूंगा अगर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। देखिए खुद खाता भी था, छोटा बच्चा था, विंग इसका डैमेज है शुरू से ही, जिस तरह आपको दिखाया था दरख्त गिरा था और उसकी वजह से इसका विंग टूट गया है। और इसके अलावा कोई भी इसको लेना अडॉप्शन के लिए चाहता है तो मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, जस्ट उसको कार्गो चार्जेस पे करने होंगे जो भी डिलीवरी के उसकी घर तक शहर तक होंगे तो मुझे बता दीजिएगा। आप फेसबुक पेज पे मैसेंजर पे रब्ता कर लें अडॉप्शन के लिए इसके, और इंशाल्लाह उसको फिर ये दे दिया जाएगा। बच्चा दूसरे वाला उड़ गया था, उसकी टांग टूटी थी लेकिन वो भी सेट हो चुकी थी, अब तो ये भी काफ़ी बड़ा हो गया तो इंशाल्लाह फिर डिलीवर कर दिया जाएगा। ईगल को भी बाहर बिठाया हुआ है बाहर के नज़ारे देखने के लिए, क्योंकि हवेली में देखता रहता है, जैसे ही अब टाइम मिलेगा तो उसकी कोशिश होगी कि इसको बाहर भी प्रैक्टिस के लिए लेके जाएं। वो देखें जी साथ एक वाइल्ड कैट घूम रही है,
तो बाहर भी फ्लाइंग के दौरान देखना पड़ता है कि कोई बिल्ली शिल्ली ना छुपी हो। अक्सर कभी कभार मैं यहाँ पे पैरट्स को लेके आता हूँ तो ध्यान लाजमी होता है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और, वो पैरट खुले हों, बिल्ली ने तो झपट्टा मारना है और निकल जाना है। ये हमारा ईगल बैठा हुआ है और इस टाइम पेड़ तो फुल है। ट्राई करते हैं इसको कुछ खिलाने की, अगर खाता है या नहीं खाता वो अभी कन्फर्म नहीं है, और देखते हैं इसको कोई चीज़ डाल के क्या करता है रिएक्शन। ये खा गया, दिल कर रहा है इसका खाने का, मुझे उम्मीद नहीं थी क्योंकि आगे इसको पहले खाना खिला दिया गया है, तो मुझे लग रहा था ये देखें कि नहीं खाएगा, और ये जनाब तो खा रहे हैं। ठीक है, इसको और भी है चीज जी है, ये देखें अभी एक मुर्गी की फ्री है, वो भी इसको डालते हैं। किधर गई मुर्गी की सीरी, ये चेक करें, पंजों में लेके खाए रही है। तो यहाँ से मैंने कहा बाहर का माहौल भी है देखें, क्योंकि अभी इसको बाहर जाके प्रैक्टिस मेन इसकी होगी, यहाँ पे तो कम ही है, और हवेली में भाग भाग के आ जाता है। बाहर इसमें थोड़ा सा घबराना था, इस वजह से इसको ज़रा इस जगह पर छोड़ा है ताकि आसपास का माहौल देखे और प्रैक्टिस यहाँ पर भी अच्छी करे। अभी यहाँ पे दूसरे बच्चे की प्रैक्टिस करवाने लगे हैं, दो बच्चे थे जो लास्ट टाइम फ्री फ्लाइट के लिए ट्रेनिंग आपको दिखाई थी, बड़े वाला डिलीवर कर दिया था उस दिन लाहौर, ये छोटे वाला ये भी आज इसकी चेकिंग करते हैं और इंशाल्लाह कुछ देर पे ये भी वापस चला जाना है। इसको भी ओपन करते हैं, इसलिए मैं उठा लूँ, ये केज है कार्गो केज, ये देखें उड़ना, ये भी आस्ता आस्ता स्टार्ट हो गया। थोड़ी सी ये स्वीट खुल भी खा लेता है माशाल्लाह से। ये भी फ्लाइंग इसने माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी हुई है। ये चेक करें सीधा हाथ के ऊपर, अभी फिर इसको बिठाते हैं और ये क्योंकि अभी नया नया फ्लाइंग को फड़ा है, अभी इसको सही से हाथ के ऊपर आने का नहीं पता, इस वजह थोड़ा सा साइडों पे निकल जाता है। ये आ गया, ये यहाँ पे बिठा दिए और ये इसी तरीके से ये देखें फीड में करवाता हूँ सारे जो फ्लाइट इन्वर्टर होते हैं चने की दाल, एक एक दाना दिया ये हाथ के ऊपर, ये इसको पीछे रखा, यहाँ से जी फिर एक दाना दिया, ये दूसरा, ये तीसरा, और फिर बुलाया। ये देखें इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग होती रहती है, जैसे ही बर्ड ज़्यादा उड़ना शुरू कर देता है तो फिर वो पक्का लग जाता है। ये किया, ये देखें माशाल्लाह